नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया कुछ दिन में शुरू होने वाली है। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे पारू विधानसभा। मुजफ्फरपुर जिला में ये विधानसभा पड़ता है और इस विधानसभा में बीजेपी का दबदबा रहा है कहीं ना कहीं। परंतु इस बार का विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में, इस बार का विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ रहे, पिछले बार अलग अलग चुनाव लड़ी थी। आज हम इसी पारूगंज विधानसभा से कुछ लोगों से जानते हैं कि वो किनको जिता रहे हैं पारू से, और किस क्षेत्र से अपने अपने उम्मीदवार को आगे करके क्षेत्र में अपना नाम आगे कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शरीफ आलम। मोहम्मद शरीफ आलम जी, ये बताइए आप अपने क्षेत्र में किनको जिता रहे हैं? मदन चौधरी को। मदन चौधरी जी कौन से पार्टी से हैं? आईसी के ग्रुप से हैं। गठबंधन से हैं? गठबंधन से हैं। कहीं ना कहीं इस गठबंधन से, इस गठबंधन में आने से इनको और आप लोगों को कितना फायदा मिलेगा? ये लोग हम करीबी भी हैं, समझ में आए ना, और ये वोट भाजपा को हराने की सलाही है। कहीं ना कहीं भाजपा को हराने की एक सबसे बड़ी वोट हो सकती है इस बार के चुनाव में। जी हाँ, क्योंकि ओवैसी जी भी साथ आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ आ गए हैं, और कहीं ना बीएस मायावती जी भी साथ हैं इस बार के चुनाव में। आइए और कुछ लोगों से हम पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम जी, ये बताइए क्षेत्र में किनका दबदबा बन रहा है इस बार पारू से? बनेगा मदन भाई के। मदन भाई के जी। भाजपा हो या राजद? चाहे राजद, इससे कोई फर्क, भाजपा हो या राजद कोई प्रॉब्लम नहीं। बुलंद आवाज में बोलिए पूरे बिहार। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जुदागी। मोहम्मद जुदागी जी, ये बताइए आप, आपके अगर आपके क्षेत्र में मदन जी आगे आते हैं तो आप लोग कितने वोटों से जीता कर भेजेंगे विधानसभा? देखिए ऊपर 50,000 वोट एक बड़ी वोट है। कहीं ना कहीं ओवैसी जी को आने से आप लोगों को आगे बढ़ सकता है, फायदा तो हुआ है जी। आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। जज्बा बरकरार है, जुनून बरकरार है इस बार का चुनाव में, मदन जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक अनेक तरह की लहर घूमती है। जिधर लहर बह जाता है उधर क्षेत्र का विधायक हो या एमएलए एमपी जीत जाता है। क्या नाम है आपका? मायावती जिंदाबाद। ओवैसी भाई जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी हुआ। जोश और जुनून किनके लिए? मदन, श्री मदन चौधरी जी के लिए। क्या लग रहा है, पत्ता साफ किया भाजपा या राजद का? दोनों का पत्ता साफ हो जाएगा इस बार, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। कहीं कोई दिखाई नहीं, नहीं देगा जी। अच्छा, ये जोश और जुनून कहाँ से मिलता है आपको? पारू विधानसभा क्षेत्र से भाई मदन चौधरी जी के तरफ से मिल रहा। कहीं ना कहीं क्षेत्र से अगर वो जीत कर जाएंगे तो क्या क्या काम? बहुत काम करेंगे। इसके पहले वो जिला परिषद रह चुके हैं यहाँ के, और जिला परिषद रहते हुए उन्होंने जैसा विकास का काम किया वो शायद ही कोई कर पाए, इसलिए वो विकास को देखते हुए हम इनके साथ जुड़े हैं। और मुस्लिम हैं और वैसी साहब इनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ गठबंधन है, मायावती जी हैं, इसलिए ये सब वोट जब एकत्रित एक जगह आ जाएगा तो इनको जिताने से कोई नहीं रोक सकता है। 50,000 वोट लमसम से ये जीत दर्ज करेंगे। 50,000 वोट लगभग पारू में जी, बिल्कुल। शंकर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुन्ना। मोहम्मद मुन्ना, मुन्ना जी कितने वोट आप अपने तरफ से दिलवा रहे हैं इनको? बहुत वोट दिलवा रहे हैं अपने तरफ, बहुत वोट दिलवा रहे हैं। कहीं बताइए आप, क्या बताया पूरा? नाइमुद्दीन। क्या? मोहम्मद नाइमुद्दीन। नाइमुद्दीन, ये बताया नाइमुद्दीन जी, अगर आपके क्षेत्र से ये विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में एक बाढ़ की भी समस्या है, पानी की समस्या बहुत बड़ी है, बड़ी है। यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतें होती है। वर्तमान सरकार कुछ ना कर रही है और पिछले सरकार भी कुछ नहीं की थी। इनसे इनकी जब सरकार बनती है, आपके रालोसपा और गठबंधन की जब सरकार बनती है, तो इस क्षेत्र के लिए क्या क्या उम्मीद रहेगी? ये सबसे पहले तो जितना भी दिक्कत है, गरीबों का घर द्वार सब देखेंगे। उसके बाद भी है कि इसमें जितने भी प्रस्ताव रखा गया, भैया जी बोले कि जितने के बाद सड़क को हल कर देंगे। उसके बाद में जो है से यहाँ के जनता कह रहे हैं कि 50,000 वोट से मदन चौधरी भैया जी आगे निकलेंगे। 50,000 वोट, जी हाँ, 50,000 वोट एक मायने रखता है बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये एमपी का चुनाव नहीं है, ये एमएलए का चुनाव है। लोगों का जुनून हमेशा बढ़ता रहता है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार विधानसभा के लिए एक अद्भुत चुनाव होने जा रहा है। कहीं ना कहीं अनेक पार्टियां साथ आई है, अनेक पार्टियां साइड हटी है, और इस बार का चुनाव में नए नए चेहरों को आगे लाकर विधायक बनाने की प्रक्रिया बहुत जोरों से चालू हो चुकी है। आइए कुछ और लोग उनसे हम बात करते हैं। सर सर सर, हेलो, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार राम हुआ। अखिलेश कुमार राम, ये बताइए अखिलेश जी, जी क्षेत्र में कैसा विधायक चाहते हैं?
क्षेत्र में विधायक चाहते हैं जो नवयुवक साथी हैं उनका विकास हो, जो हम लोग बेरोजगार हैं और डिग्री लेकर के रोड पे जो चल रहे हैं। और दूसरी समस्या हुई है कि हम लोग जो 200-300 रुपए का जो पैसा देकर के किराए पे जाते थे हम लोग बाहर कमाने, आज उसके लिए 5,000 व्यय करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों से तकलीफ है। तो हमारे बहुजन समाज से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं और बहन कुमारी मायावती के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। हाथी पे चढ़ के क्या मदन जी को जिता रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मदन जी के लिए हम लोग जी जान लगा दिए हुए हैं। ना लालटेन रहेगा ना कमल चलेगा। जी बिल्कुल, कमल नहीं चलेगा ना लालटेन चलेगा। इस बार जो भी होगा पंखा छाप चलेगा, गर्मी को जो है कि भगाना है और इनकी मदन जी को ही विधायक बनाना है। मदन जी को ही विधायक बनाना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार। चंदन जी, एक युवा सोच रखते हैं आप, एक युवा की तरह दिख भी रहा है, कहने के मदन जी जब जीत कर जाते हैं युवा के लिए क्या क्या काम करेंगे? युवा के लिए सबसे पहले रोजगार, शिक्षा, न्याय अच्छा होना चाहिए, हमारे समाज में अच्छा होना चाहिए कि जो हमारे युवाओं के लिए रोजगार मिलना चाहिए और सही तरीके से हमारा जो बिहार के विकास हो उस ओर हम देखेंगे। हमारे लिए मदन जी बहुत अच्छे लोग हैं, BSP गठबंधन से ये लोग हैं, ओबैसी साहब है, जनवादी पार्टी है, ये सभी पांच दलों का गठबंधन हुआ है। ये देखिए जब पांच लोग हम एक साथ हो जाएंगे तो हम लोग मैंने करारा जवाब देंगे और हम 50,000 वोटों से प्लस करके हम लोग जिताएंगे और विधानसभा में भेजाएंगे मदन जी को। मदन जी को विधानसभा में भेजाएंगे जी। जाएंगे तो देखने आएंगे? जी देखने आएंगे बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखने आएंगे। जनता नेता जी का कहना है जीत कर जाते हैं तो फिर तो देखने नहीं आते हैं चार साल। लोगों का ये भी उम्मीद है, इस बार का चुनाव में सबसे बड़ी समस्या भी ये है कि जीत कर तो चले जाते हैं नेताजी परंतु पाँच साल देखने के लिए नहीं आते हैं। परंतु लोगों के प्रति नेताजी का भी थोड़ा आँख खुली है कि अगर क्षेत्र से कुछ लोग विधायक बन के जाते हैं तो विधायक जी का कहना है कि हम आवास अपना अपने क्षेत्रवासियों के नाम से दे देंगे ताकि उनको कोई सुविधा असुविधा हो, पटना जाने या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो वो अपना आवास का। बहुत सारा विधायक का ये स्टेटमेंट आया था, हमने आपको दिखाया भी था पिछले रिपोर्ट में भी कि किस तरह चुनाव में अगर जीत के जाते हैं विधायक तो क्यों नहीं आते हैं, क्या कारण होता है। परंतु इस बार का जो चुनाव है विधायक का कहना है, बहुत सारे विधायक का सुर बदला है कि चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले जनता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, उनके लिए काम हम करेंगे और क्षेत्र के लिए सबसे आगे आकर क्षेत्र की वासियों की सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव जब होता है तो एक अलग से पूरे देश में माहौल बनती है। जब माहौल बनती है तो कहा जाता है बिहार विधानसभा एक दिल की धड़कन है राजनीति के लिए, क्योंकि यहाँ परिवर्तन की शुरुआत हमेशा होती रही है। इस बार का जो चुनाव है 2020 का जो चुनाव है परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। कहीं कहीं बड़े बड़े पार्टियां NDA हो गई है, महागठबंधन हो गई, बड़े बड़े पार्टियां को ये ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे इस चुनाव में अपनी भूमिका ना ला दे। और मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कही जा सकी तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। बीजेपी का तो अभी क्लियर नहीं हो क्योंकि वो NDA के नेतृत्व में नीतीश कुमार को चुनाव में लड़ने के लिए मौका दे रही है। और महागठबंधन से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी काम किया जाएगा। अभी आप मौजूद है पारू विधानसभा से, बहुत बहुत धन्यवाद।